जिनके घर में मीटिंग होती है इस कार्यक्रम के आगे आजादी शिवाकांत कुशवाहा जी इस गांव के सम्मानित काम आजादी हीरालाल पासवान जी इस गांव के सम्मानित पूर्वकार ब्रह्मा प्रसाद कुशवाहा जी साथ में चल रहे हमारे विधानसभा के प्रभारी योगेंद्र कुशवाहा जी डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी विधानसभा अध्यक्ष भाई समर सिंह यादव जी उमेश यादव जी आदरणीय पूर्व प्रमुख चंदी प्रसाद जी आदरणीय पूर्व यादव जी सैनु सोनकर जी सभी सम्मानित साथी का मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं क्या मैं पहले भी एक डेढ़ महीने पहले आया था इसी चौपाल में चौपाल कर दी गया था तो मैं एक ही बात बताने फिर आया हूं कि ये चुनाव हमें दो बार अपने एमपी बनाया है ये चुनाव केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है ये चुनाव आने वाली उस पीढ़ी को बचाने का चुनाव है जो इन 10 साल में आदरणीय मोदी जी के झूठे वायदे के कारण 2 करोड़ नौकरियों की जगह 2 करोड़ लोग ओवर एज हो गए जिनको अब सरकारी नौकरी मिलने वाली 10 साल में कोई भर्ती नहीं हुई और जो भर्ती करने वाले विभाग थे सब अडानी अंबानी को भेज दिया एयर इंडिया एयरपोर्ट भेज दिए रेलवे प्लेटफॉर्म भेज दिए बीएसएनएल पेट्रोलियम भेज दिया आगे में फैक्ट्री एमटी सिकले भेज दिए और यहाँ से बगल में डिफेंस का भी रोड है साल में वहां 400 एकड़ जमीन एक्वायर करके मुआवजा तो किसानों को दे दिया गया लेकिन अडानी को 1 रुपया बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए पट्टे पर दे दी गई हम ये कहना चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी नहीं बची जहां तुम्हें मिल जाए नौकरी अब तुम्हें अगर नौकरी करना है तो अडानी अंबानी के प्राइवेट संस्थाओं में करना हो चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो एयर इंडिया हो बीएसएनएल हो पेट्रोलियम हो सब उन्हें की हम गुलामी करनी पड़ेगी तो ये चुनाव 400 के पार करते हैं बाद हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा शक्ति हीरालाल जी बैठे हैं इनसे लिखना ही रहेंगे अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो तुम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे संविधान जिसके तहत तुम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनते हो बनाते हो वो संविधान मोदी जी बदलना चाहते हैं इसीलिए 400 की पार करते हैं हम वायदा करते हैं हीरालाल जी न चुनाव से पहले तुम्हारी व्यवस्था रखाए जाने मेरी गलती है और चुनाव के बाद तो कतई किसी की हैसियत नहीं ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आने वाली पीढ़ी को जैसा हमें संविधान मिला है ऐसा ही संविधान अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो इस देश में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में मोदी जी के रक्त रोकने के लिए अगर कोई सक्षम है तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है इसलिए बहन की डरी हुई है जो डर गया मर गया वो बाबा साहब ने संविधान को बचा नहीं सकती इसीलिए हीरालाल बता दीजिए डॉक्टरों से कि तुम्हें राशन ये मिल रहा है वो तुम्हारा कृपा ठीक नहीं है तुम्हारा अधिकार है वो 2014 में जब आपने हमें एमपी बनाया था तो फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था तो राशन तो इतना खाओ जो मिला है वो ले लो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाओ वरना आने वाले समय में फिर देश भ्रम हो जाए तो हम आपको बताने आए हैं और आप मेरे बारे में जानते हैं मैं केवल यहाँ से एमपी रहा हूँ मैंने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए 4000 मेगावाट का पावर प्लांट घाटापुर में स्थापित करने का काम किया
कानपुर से चबराई मार गए, तुम्हारा स्टेट हाईवे बनाने का काम किया, तुम्हारा भौतिक से लेकर यहाँ हाईवे एलिवेट कराने का काम किया, मंडला से भी झूठ 14 करोड़ रुपए देके ब्रॉडगेज करा के ट्रेन चलवाने का काम किया। यहाँ कानपुर में 100 रुपए ट्रेन नहीं रुकती थी, हमने इंटरसिटी रुकवाने का काम किया, रूड़ा में 2 ट्रेन रुकवाने का काम किया, चित्रों के स्ट्रेन भीम से लेकर के बड़ी पार तक रुकवाने का काम किया। जो मौजूदा 10 साल से मोदी जी की गारंटी पे एमपी है उसको तुमने देखा भी नहीं है। हमें तो तुमने ब्रह्मा प्रसाद कुशवाहा के बोले पानी पियत नहीं कोई उत्तम बात। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि फैल जाइए, गली गली घूम जाइए, चुनाव हीरा प्रधानी मांगा किसी ने साथ दिया हो सकता है वो खेल कॉलोनी न दे रहे, हो सकता है किसी की नाली खरंजा बनवा रहे। ये प्रधानी का चुनाव नहीं है, ये नाली खरंजा चक्रोट और चबूतरे वाला चुनाव नहीं है, देश को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। न हमें डरना है, न हमें किसी नए चारे में फंसना है, मोदी जी के नए चारे में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर नए चारे में फंसे तो आने वाली पीढ़ी हजारों साल की गुलामी के लिए तैयार रखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 13 तारीख में बिना मुद्दे बिना डरे बिना नए चारों में फंसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन इतनी तेज दौड़ा दो जो 10 साल से कमल यहाँ खेल रहा है वो हमेशा के लिए धूप में धूप मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।